बिहार के खगड़िया में बन रहे राज्य के पहले मेगा फूड पार्क को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 29 नवंबर को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करने के लिए खगड़िया पहुंची। उद्घाटन से पहले उन्होंने फूड कोर्ट का मुआयना किया तो पाया कि इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। फिर क्या था, आनंद फानन में हरसिमरत कौर ने इस फूड पार्क का उद्घाटन करने से मना कर दिया और वापस दिल्ली लौट गई। अब पूरे विवाद को लेकर इस मेगा फूड पार्क को बनाने वाली कंपनी प्रिस्टीन ग्रुप के प्रमोटर सामने आए हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बात की जानकारी कि फूड पार्क का निर्माण कार्य 70-80% पूरा हो गया है और तकरीबन 20% काम और बचा हुआ है। 29 नवंबर को जब हरसिमरत कौर फूड पार्क का मुआयना कर रही थी तो उन्होंने एक भी प्रोडक्शन यूनिट को काम करते हुए नहीं पाया और इसी बात पर वह नाराज हो गई। संजय मवार ने बताया कि उनके ग्रुप का काम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है जिसे पूरा होने में 1 महीने का वक्त और लगेगा, ना कि प्रोडक्शन करना। संजय मवार ने कहा कि इस मेगा फूड पार्क का काम 20% और बचा हुआ है, इसी वजह से हालत में नहीं था कि उसका उद्घाटन किया जाए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर खगड़िया न आए और इस फूड पार्क का उद्घाटन 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको लेकर उन्होंने तमाम प्रयास किया मगर उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई। तो मैंने बहुत प्रयास किया इस डेट पर, फिर हमने जब खबर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आया और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी गया है सेंटर को, उसके बाद हमने टाइम लेने की प्रयास किया चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी, लेकिन हमारे इस सारे प्रयासों को नाकाम करते हुए और हम पर दबाव डाल के सेंटर ने 29 तारीख का डेट दे दिया, जो शेड्यूल आ गया तो हम फोर्स थे इनॉग्रेशन करने का। संजय मवार ने कहा कि खगड़िया के जिलाधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने इस मेगा फूड पार्क का निरीक्षण किया था और पाया था कि उनके निर्माण का कार्य तकरीबन 20% और बचा हुआ है और इसी को लेकर उन्होंने 12 नवंबर को बिहार सरकार को पत्र भी लिखा था और आग्रह किया था कि फूड पार्क की हालत अभी ऐसी नहीं है कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें और इसी को लेकर उन्होंने प्रिस्टीन ग्रुप को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त और देने की सिफारिश की थी। हमने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सूचना दी थी, उन्होंने मांगा था सूचना कि मेगा फूड पार्क की क्या स्थिति है मार्केट में, तो हमने बताया कि सर अभी तो कुछ वहाँ पर हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ है आपके अनुसार? मेरे अनुसार वो इनकम्प्लीट है, जितना उनका प्रोजेक्ट में प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को पूरा करने में कम से कम 3-4 माह समय लगेंगे। संजय मवार ने कहा कि खगड़िया जिलाधिकारी की रिपोर्ट को भी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने नजरअंदाज कर दिया और 29 नवंबर को ही फूड पार्क का उद्घाटन करने को लेकर दबाव बनाया। संजय मवार ने खुलासा किया कि पिछले तकरीबन 2 महीने से लगातार केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से उन्हें फोन आ रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि फूड पार्क का निर्माण जल्द पूरा करें ताकि मंत्री हरसिमरत कौर, जिन्होंने इस फूड पार्क का शिलान्यास अगस्त 2015 में किया था, वही इसका उद्घाटन भी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने से पहले करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।